तो गाइस देखो बोरा डैम में चौथी दिन ये देखो ओ भाई साहब ये देखो गाइस 15 किलो के आसपास में छह गाइस 15 किलो किलो आराम से भर जाती कतले की वजह से और ये पांच बूटी की भी ये भी डाल देंगे 15 किलो मच्छा गाइस गुड मॉर्निंग। और देखो जैसे कि आपने पीछे क्लिप में देख लिया वो तो मच्छा देखी होगी गाइस आपने, लेकिन गाइस आज हमने बनाया गाइस एक न्यू रिकॉर्ड, भयानक खतरनाक वाला रिकॉर्ड। और गाइस आज हम लगा रहे थे मच्छियों के तुक्के, लेकिन तुक्के इतने खतरनाक भारी पड़ गए हमरे ऊपर कि बस पूछो ही मत। और गाइस रिकॉर्ड कौन सा बनाया ये जानने के लिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ना था। चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस आज हम आ चुके हैं 6 बोटी पे और देखो गाइस चौथा दिन है, तो चलो देखते हैं चौथे दिन कैसे रिकॉर्ड रहता है। पहले दिन गाइस मिली थी 15, दूसरे दिन मिली थी गाइस, दूसरे दिन कितनी मिली थी कानू 15 ही मिली थी गाइस। हां तीसरे दिन मिली थी गाइस, तीसरे दिन गाइस कम मिली थी गाइस, तीसरे दिन मिली थी सिर्फ 10। हां गाइस चलो आज चौथा दिन है, तो चलो आज देखते हैं क्या होता है। तो हां गाइस आज देखते हैं और काफी तेजी के साथ निकालने वाले, और देखते हैं गाइस इसको हम कितने मिनट में निकाल पाते हैं। गाइस हाईएस्ट रिकॉर्ड 25 मिनट का है हमने, हां गाइस तेजी के साथ बोले तो 25 मिनट में निकाले है। ओ भाई आज देखते हैं कितना समय लगता है हमको जाले निकालने के लिए, और अच्छा भी देखते हैं। हां गाइस इतना समय नहीं लेती गाइस डेली, होता गाइस ऊपर नीचे होता है और जिस हिसाब से जाला रहे उसी हिसाब से लग रहेगा जल्दी आएगी। और फाइनल गाइस यहां पर आज के दिन की बोनी पहला रहो है आगे का चला देते धोखे। देखो गाइस ओ भाई साहब काफी देर बाद आ गई, देखो देखो गाइस ये कैसे पानी में सफेद दूध दिख रहा है, देखो ओ भाई साहब देखो। अरे भाई साहब और चलो गाइस ये 6 बोटी की पहली बोन निकालते हैं। देखो गाइस ये देखो ओह निकाल देगा अब मैं भाई इसको आगे से नुंगल के। ओ भाई और देखो गाइस निकाल दे मैंने भाव। ओ भाई भाई देखो गाइस खींचना ऐसी ताकत से, देखो गाइस अब खींच रहा है मैंने भाव। और 1 किलो के आसपास का है गाइस, पाउन किलो 1 केजी के आसपास। हाँ गाइस 6 बोटे में अब भी मिला गाइस, और ये फाइनल पहुंचा 6 बोटे की। हाँ गाइस चलो देखते हैं दूसरी मच्छी कब आती है 6 बोटी की, तो दूसरी मच्छी देखते कब तक आती है। ओह और काफी तेजी से निकल रहे हम जाले, काफी तेजी के साथ। ओह क्योंकि गाइस 25 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ने का है गाइस हमको। हां गाइस 25 मिनट का जाने का है, यानी 25 मिनट से पहले जाले निकालने के। हां गाइस हमको सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, वो सिर्फ मच्छा, उसके अलावा कोई रोक नहीं सकता। ओ भाई और देखते हैं 2 नंबर की मच्छी कब तक आती है और कौन सी आती है। तो क्या लगता है कौन सी आई कानू? मैं इस बार मिर्गल बोलता हूँ गाइस। चलो कानू ने मिर्गल बोला है, तू तो कौन सी बोलता है? मैं राहू ही बोलता हूँ। राहू देखते हैं गाइस किसका शक सही निकलता है। तो राहू पे थोड़ा सा बिलीव किया जा सकता है। ओ भाई क्योंकि निकलता है। हाँ गाइस मिर्गल कभी कभी दब गई तो नहीं निकलती। ओ भाई देखो गाइस ओ और अब लग रहा है गाइस जल्दी मच्छी आएगी, वैसा फील हो रहा है कानू को और मेरे को भी हो रहा है। ओ भाई क्योंकि जाला जड़ लग रहा है, बाकी तो वैसी कोई वजह नहीं है। हाँ गाइस और दे आ जाना और अब तो लग रहा ही है गाइस कि आएगी ही, और देखो हमारे जाले कैसी चींदे हो गए हैं। और 1 किलो जाला भी खत्म हो गया गाइस, 1 किलो जाला भी खत्म। और मेरे हिसाब से 6-7 मिनट में हमने 1 किलो जाला खत्म कर दिया है। 5 मिनट 50 सेकंड में खत्म कर दिया है। बोला था गाइस 6-7 मिनट में अच्छा ना गिरे, तो गाइस जाले निकालने का कुछ समय नहीं निकलता। ओ भाई सिर्फ अपने खींचने की क्षमता पर है गाइस। हां गाइस कितने तेजी के साथ खींच सकते हैं जाले। ओ भाई
और देखो गाइस क्या ही अच्छा लगा दिया मैंने, देखो गाइस थप्पी लगा दी सीधा, थप्पी गाइस गच्चे की थप्पी। चलो अब एक गच्चा धो लेते हैं इस बार, देखो गाइस वो भाई से ये देखो मुझे लगता है ये आधा एक किलो का है। अरे ओ भाई साहब ये दो गच्चे गाइस बहुत तेजी के साथ निकला है। हाँ गाइस ये दो गच्चे एक टुकड़े खत्म हो गया, दो ही गच्चे में, दो ही गच्चे में फिनिश कर दिया गाइस एक टुकड़ा। ओ भाई पाए गाइस डाउनफॉल भी होता है। ओ भाई चलो देखिए एक जाला खत्म हो गया लेकिन अभी तक अच्छी नहीं आई गाइस। हाँ गाइस एक जाले में एक ही आई है अभी तक, बहुत ही डाउनफॉल है गाइस आज मच्छियों का, और लग रहा है गाइस अब जल्दी मच्छी आएगी। ओह देखते हैं कब तक आती है तो। चलो ओहो बोल दे आज जाना, काफी देर से जड़ जड़ तो लग रहा है लेकिन आ नहीं रहा कुछ ऊपर गाइस, कुछ भी नहीं आ रहा है। और यहां पर थुंग रही है गाइस आज की दूसरी मच्छी, मिर्गल बोलता हूं मैं, चलो कारण मिर्गल बोल दिया मैंने, रोहू बोल दिया है तो भाई। और फाइनल गाइस मेरा शक बिल्कुल सही निकला, रोहू ही आ गया। हां गाइस तो मन भविनद हो गया, ये देखो ओ भाई देखो गाइस निकाल देगा मन भाई सवाल दो को। ओहो भाई देखो के पास अगर मुंह में इसके फंदा अटक जाए ना गाइस ये कुछ नहीं करता फिर। ओ और ये काफी ताकत से खींचेगा। और गाइस आपके इधर कैसे फिशिंग होती है हमको एक बार कमेंट करके बताओ। हाँ गाइस आपके इधर किस तरह की फिशिंग होती है। ओहो और काफी ताकत से खींचना पड़ता है गाइस देखो, और ये निकाल दी गाइस। आप तीन नंबर की मच्छी देखते हैं गाइस कब तक आती है। इस बार मैं दो बोलता हूँ, तू कौन सी बोलता है। मैंने रोहू बोल दिया, चलो मैं मिर्गल बोलता हूँ। ओ भाई देखते हैं गाइस कौन सी अच्छी है तो। चलो ओल दे आजा। ओह और यहाँ पर नजदीक में आएगी, खींच रही है। ओ भाई सब तो आई है, खींच रही है। रोहू बोलता हूँ मैं। और गाइस कतला, कतला गाइस शक भी बिल्कुल गलत, दोनों का भी शक गलत नहीं। छह बोटी में गाइस मिला कतला जो कि हमने बिल्कुल भी सोचा नहीं था गाइस। देखो गाइस छह बोटी में बिल्कुल सोचा नहीं था ना, कानून सोचा था ना मैंने सोचा था गाइस। देखो देखो गाइस देख लो, देखो गाइस और फ्रेश लगा हुआ है गाइस, बिल्कुल फ्रेश है, सुबह में लगाया गाइस। हां गाइस ओ भाई दोनों का भी शक गलत निकला गाइस, दोनों का भी बिल्कुल गलत। ओ भाई कतले ने दोनों के ऊपर तमाचा मारा, चला हट डबे बोला काहे की मिर्गल और काहे का रहू। मैं कतला भाई आधा है कतला। ओ भाई साहब बिल्कुल फंसा भी नहीं है। हाँ गाइस फ्रेश तो इतना है कि बस देख के दिल खुश हो गया। देखो गाइस कितना फ्रेश है, कैसे चमक रहा है गाइस। तो वही तो फ्रेश वाले की चमक ही अलग होती है। हाँ गाइस जैसे कि चांदी जैसा बिल्कुल वाइट वाइट। हाँ गाइस और ये डाल दिया गाइस तीन नंबर का, चलो देखते हैं चार नंबर का कौन सा फिश आता है। तो हाँ गाइस इस बार मैं कतला बोल रहा हूँ। कतला बोल रहा है क्या। हाँ चलो देखते हैं इस बार कानून कतला बोल दिया तो कौन सी बोल रहा है। रोहू बोल देता हूँ इस बार। ओ भाई सब चलो देखते हैं दोनों में से किसका शक सही होता है, देखते हैं गाइस। और यहाँ पर जड़ जड़ लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मच्छी आएगी। ओ भाई तो मन भाव बोल रहा है गाइस यहाँ पर मच्छी आएगी, जल जल लग रहा है तो फिर आएगी ही मच्छी गाइस। देखते हैं कब तक आती है तो मच्छी और कौन सी आती है। तो क्या लगता है कानू कौन सी आएगी। वाह मुझे लगता है कतला। चलो देखते हैं गाइस। ओ भाई बोल दे आजा कौन सी भी, इतना समय मत खा। जल लग रहा है फिर लूच हो जा रहा है गाइस, जल लग रहा है फिर लूच हो जा रहा है गहरे पानी की वजह से। ओ भाई और दाब जिस हिसाब से जाल आ रहा है उस हिसाब से लग रहा है जल्दी मच्छी आएगी, देखते हैं क्या होता है। तो हाँ गई देखते हैं क्या होता है। तो ओ भाई
और एक किलो जाला बचा गाइस, दो किलो जाले खत्म। एक किलो जाला बचा और आ गया हमारे पास, बोटे भी है बची हुई। वो तो दो किलो है गाइस। हाँ दो किलो तो क्या निकाल देगा मन, निकाल देता हूँ गाइस। ये भी काफी बड़ा हो गए। हाँ गाइस देखो, ओ भाई और दो किलो जाले मन भन 11 मिनट कितने 25 सेकेंड में निकाले। देखो गाइस क्या लगता है कानू, ओ भाई 20 मिनट से पहले निकाल देंगे हम जाले। मुझे लगता है निकाल देंगे। चलो फिर और तेजी के साथ खींचता हूँ मैं जाले को, क्योंकि अभी तो 11 मिनट के 42 सेकेंड में तूने 2 किलो जाले निकाल दिए। चलो 4 नंबर की देखते हैं कब आती है। हाँ गए 4 नंबर की मच्छी देखते हैं कब तक आते हैं। तो ओहो अरे आ जाना, कौन सी भी मच्छी है, कछुआ बोला हुआ है मैंने। और यहाँ पर मच्छी आएगी, कछुआ आएगा। चलो देखते हैं कछुआ कछुआ के जैसा फील हो रहा है मेरे को। दोनों के ही एक गलत निकले गलत। लेकिन गाइस मच्छी ने ठूंगा था यार, ठूंगा था तो फिर आगे होगी ये, क्योंकि गाइस ये मरी हुई है और मरी हुई तो नहीं ठूंग सकती, लेकिन ऐसे ये भी झेल सकती है गाइस। ओ भाई हाँ ये छिलन मारती है। ओ भाई भाई देखो गाइस निकाल डायमंड भाव। अरे भाई ओह, और अभी तो बिल्कुल टाइट है गाइस, जैसे को तैसे। ओहो इसको भी कुछ ही हुआ नहीं, अभी मरी हुई है। चलो देखते हैं वो झटके के जैसा फील हुआ था वो मच्छी की वजह से हुआ था या कोई और मच्छी है। देखते हैं ठुंग रही है, ठुंग रही है क्या बोलता है। 5 नंबर की मच्छी कौन सी आती है, तो देखते हैं गाइस कौन सी आती है और कब आती है। और आजा देखो गाइस यही तक कब तक आएगी रे, मुझे लगता है जल्दी आएगी इस बार। मैं तो क्या लगता है देखो पूरी है, मुझे लगता है पूरी निकलेंगी 10-15, क्योंकि देखो जाला। मैं बोलता हूँ गाइस 5 निकल जाए। ओ भाई बस खुश है हम। हाँ गाइस क्योंकि मच्छर ही नहीं गिरी है तो। ओहो पांचवी आ जाना। ओ भाई ओ लास्ट आधा किलो जाला का अच्छा है। आधा किलो सिर्फ आधा किलो। ओ भाई डाल देता हूँ धोखे। देखो गाइस ये भी बहुत बड़ा गच्चा हो गया है, आधा किलो जाने का गच्चा है। ओ भाई ओ भाई साहब ये डाल दिया मैंने भवन खड़े में, डाल दिया गाइस। ओहो और यहाँ पर मच्छी आएगी। ओ भाई और गाइस मिर्गल जिंदा, मिर्गल गाइस 5 नंबर की। ओ भाई और मेरे से गलत निकला। और ये देखो गाइस कुछ इस तरह से। ओ भाई भाई सेपोट मार रही है मेरे को, बोल रही छोड़ दे छोड़ छोड़ भागने दे। मैं बोलूंगा मैं छोड़ेगा नहीं साला तेको, मैं तो कदम डाल देगा। हाँ ओ भाई देखो गाइस। ओ भाई भाई ओह क्या ही मिर्गल है गाइस, 1 से 2 किलो की है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है गाइस। हाँ गाइस इट्स चोको एंड प्योर क्वालिटी है। ये देखो देखो और ये खड़े में डालकर निकाल डायमंड भाव। ओ भाई सब देखो गाइस निकाल देगा मैंने भाव इस बार मिर्गल को। और ये निकाल दी गाइस मन भाव ने, निकाल दी गाइस। और आगे देखते 6 नंबर की मच्छी कब आती है और कौन से आती है। तो क्या लगता है कानू 6 नंबर आएगी नहीं आएगी। मुझे लगता है आएगी। चलो देखते हैं कानू का अंदाजा कितना सही निकलता है। तो आगे तुझे क्या लगता है। मुझे लगता है निकलनी चाहिए यार क्योंकि मच्छर बहुत कम है आज पहले ही। हाँ गाइस ओहो ओह और आज गाइस आज इतनी तेजी के साथ जाली निकाली बस।
मजा ही आ गया। हाँ गाइस, बहुत मजा आ गया पूरे, क्योंकि मच्छर भी गिरे नहीं है। हाँ गाइस, लेकिन नया रिकॉर्ड तो बन ही दिया होगा हमने। कितने मिनट हो गए कानू अभी? क्या 16 मिनट 16 सेकंड। ओ भाई, और फाइनली गाइस देखो गाइस 16 मिनट में काम तमाम कर दिया गाइस। देखो गाइस, फिर भी 5 मच्छा और 1 कतला तो कितना भयानक था। देखो आज भी एक नया रिकॉर्ड बन गया है गाइस बुरा रैप में। हाँ गाइस, ओ भाई साहब, और आज हम पूछे बूटी में 5 मच्छे मिले गाइस, बहुत कम है। 5 मच्छे बोले तो बिल्कुल 100 रुपया गाइस, 100 रुपया। आज के दिन की कमाई 100 रुपये थी गाइस। तो चलो आप सब्सक्राइब ठोको, कमाई तो नहीं हो रही इधर। ओ भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस, बाय बाय।